आमिर खान के ड्रीम प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा पर खतरा मंडरा रहा है। फिल्म के रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया इसे बायकॉट करने की मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। फिल्म को लेकर क्रिएट हो रहे नेगेटिव माहौल पर आमिर ने चुप्पी तोड़ी है। आइए बताते हैं आमिर ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड हो रहा है, जिससे आमिर खुद परेशान है। इस पर अपनी राय रखते हुए आमिर ने कहा, एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक्टर ही नहीं बल्कि कितने लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। फिल्म देखने के बाद आप उसे पसंद कर रहे हैं और उसे नापसंद करने का भी पूरा अधिकार आपके पास है। आमिर खान ने आगे कहा, फिल्म रिलीज से पहले इस तरह की चीजें हर्ट करती है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे इस मुल्क से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि वो जैसा सोच रहे हैं वो सच नहीं है। मुझे प्यार है अपने देश से और यहाँ के लोगों से। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरी फिल्म को बायकॉट ना करें, थिएटर पर जाकर फिल्म देखें। बॉक्स ऑफिस पर असफल होती फिल्मों पर आमिर की राय। आमिर खान ने कहा, ऐसी बात नहीं है, फिल्में चली भी हैं। गंगूबाई, भूलभुलैया 2, कश्मीर फाइल्स, पुष्पा चली है। पुष्पा के बारे में सुना था कि 1 करोड़ की ओपनिंग फिल्म की रही थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म ने कमाल कर दिया। ऑडियंस को फिल्म पसंद आएगी तो चलेगी ही। मुझे लगता है कोविड की वजह से फिल्में थोड़ी जल्दी आने लगी हैं OTT पर। लोगों को लगता है कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊंगा तो मैं घर में देखूंगा। हालांकि मेरी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है, मेरी फिल्में 6 महीने तक OTT पर नहीं आती। आमिर बोले, मैंने थिएटर के लिए फिल्म बनाई है, मैं चाहता हूं कि लोग थिएटर जाकर फिल्म देखें। OTT के लिए जब कुछ बनाना होगा और मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। OTT में किश्तों पर काम करने में मजा आता है, लेकिन मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो चाहूंगा कि सिनेमा के लिए बनाऊं। दूसरी बात कंटेंट की भी है, कंटेंट लोगों को पसंद आएगा तो फिल्म चल जाएगी। साउथ वर्सेस नॉर्थ के डिबेट पर आमिर ने क्या कहा। वहीं साउथ वर्सेस नॉर्थ के डिबेट पर आमिर कहते हैं, हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी फिल्म देशभर में लोग देखें। हम कई समय से अपनी फिल्म तेलुगु तमिल में डब करते आ रहे हैं, अच्छे खासे रिएक्शन भी हमें मिलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह साउथ की फिल्मों ने क्रॉसओवर किया है हिंदी फिल्मों पर, वैसे हम हिंदी फिल्म वाले नहीं पहुंच पाए हैं। वो बहुत टाइम से नहीं हो पाया है, उम्मीद है इस दफा हो और वही कोशिश जारी है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।